अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, की हाल चाल है वीरो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करना कि मेरे सारे भरा ठीक होंगे। तो मैं भी थोड़ा अपना छोटा वीर शहजाद 91 विलेज। हाँ जी, अज असी एक नवी वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत अज हाजिर हाँ। तो उस तो बाद मजीद दस दिए कि असी जिहड़ा काम तुहानू पहले दिखाया सी बांसाला, उही काम असी दोबारा करन आए हुए हाँ, क्योंकि साढ़े वाला काम लभदा को नहीं पिया, इस करके फिर सानू दोबारा उही काम करना पै रहा है। हालात काम दे कोनी के बिल्कुल हालात खराब हो गए ने, किसे पासे कोई भी काम नहीं है। गाली सीमेंट बजी गए, पैपां दा काम बंद है, इस करके घर का सर्कट चलाने वास्ते फिलहाल यही काम कर रहे हैं। तुहानू दिखा दी कि कहड़ा काम है जिहड़ा तुहानू पहले दिखाया सी। एक बारी बांस छिलण वाले पै ने, यह जो बांस ने कल छिल के गए से, असीं सैकेंड टाइम आए सी, यह जो सानू नज़र आ रहे हैं, ये पिछले टाइम छिले हुए ने। असी दोनों भाई आने हैं बांस छिलन वास्ते, तो एवं अज भी बांस छिलन आया तकरीबन 7:45 होंगी पी है, तो असी 10-10:30 बजे तक बांस छिलने। उस तो बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो फिर घर चले जावे। अगर को तुम दिखा रही है इस टाइम बांस वाली दुकान पर हाँ, जिते एक दिन पहले आए सी एवं को, तो इतने तकरीबन हफ्ते का काम है, हफ्ता साढ़ा लग जाना। तो एवं को छोटा भाई छुरियाँ तेज कर रहा बांस छिलन वास्ते, उस तो बाद तुम बांसा का दिखा दिए हिसाब किताब है। ऐ वेखो जी, सारे बांस ही पैने, हाली इन्हों का माल खत्म हो गया, एक गड्डी आ जानी बांसा की, वह भी शाम असी उतारनी है, तो अल्लाह खैर करेगा रोजी बन जाएगी। उस तो बाद इन्हों को सिरकी भी होंगी, सिरकी समझते हो ना? ऐ वेखो सामने सिरकी नज़र आ रही, छत्तां दे पाण वाली बांस वाली छत्तां जिहड़ियां लोग पाउंदे ने, ते नाल उहनां दे यानी कि सिरकी पाण। वेखो जी, इस टाइम असीं अपने काम ते आ, वेखो गर्मी बहुत तेज़ है, बारिशां पईआं ने, 3-4 दिन तां मौसम सही रहा, ते हुण गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होंदी, हबस होंदी ना पड़ास जमीन कढ रही है। वेखो असीं काम ते पहुँच गए जी, वेखो सारे बांस पैने, तकरीबन 1000 बांस छिलन वाले, जिंदे विचों 105 बांस छिलते हैं, बाकी हिसाब ला लो 895 बांस रहिंदे, हफ्ता साढ़ा लग जाना जी। शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तो अपना ट्रेन दे विच सी, असी जिस टाइम असी वापस आया तो बहुत ज़्यादा रश सी, जिवें कि तुहानू दस्सी कि जिस तरीके दे नाल असी आए हां, पर सानू ही पता है ईद करके इतना रश से, जिंदगी मेरा पहला सफ़र से ट्रेन के उत्ते, पहली बार मैं ट्रेन के जलील होकर आया, क्योंकि ईद के दिन से सवारियां बहुत ज़्यादा सी, बर्थ सीटा थले खलो के, पहले तो असं तकरीबन 2-2.5 घंटे बिल्कुल खलो के सफ़र किया है, फिर जिस तरह कोई स्टाफ से कोई साहिवाल कोई पत्तो की इस तरह अपना सवारियां लेंदे, इस तरह थोड़ा जहा सीट से ना मिलता, उस तो बाद बिल्कुल जो कि साढ़ा 3-4 घंटे का सफ़र से, तकरीबन इतना ही सफ़र से, तो उस तो बाद फिर गड्डी काफ़ी ट्रेन खाली हो गई सी, कुछ फैमिली सवारियां बैठी से उन्होंने को दो बर्थ सी सीटा सन, फिर जिस टाइम वो उतरे ने, उस तो बाद सानू सुकून आया, फिर बर्थ थोड़ा सो के आया। तो बस इस तरह का सफ़र कुछ होया, बहुत जलालत का सफ़र से, लाहौरों जो वापसी का सफ़र से, वो जलालत बस ईद करके सी ट्रेन के, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश सी कि पहली बार जिंदगी ट्रेन से सफ़र कराँगा, भी ट्रेन का सफ़र किवें होंगे, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह घर मिलने तुहानू घर की रूटीन से। हाँ जी व्यूअर्स, तुहानू दसीए कि काम करके आए हैं, पहले हवा चल रही थी लेकिन हुण हवा रुक गई है, तो थोड़ी जी गर्मी हो गई, टाइम भी 10:30 का हो रहा, तो इसलिए फिर थोड़ा जिहा रेस्ट करने वास्ते जिस मालक को असी काम करने, उनकी हार्डवेयर की दुकान है, एवेको हार्डवेयर का समान भी सामने पिया है, ब्रश वगैरह तो रंग शंग पेंट्स वगैरह भी यानी कि सेल कर देने, रंग भी बेच देने। उस तो बाद जानवरों के जिहड़ा अपना संगल सुंगल ते वो होंदियां ने नत्तां शत्तां ते इस तरह का समान, तो फिर कोई गरमाले कांडियां ते एशियां मिस्त्री वाले अवजार वगैरह, तो उन्हां दी भी इन्हां दी दुकान है। ए वेखो इस टाइम मैं दुकान दे विच बैठा रैसट करन वास्ते आया होया, ए वेखो जी ए सामने पान रस्से, ए सामने तुहानू नज़र आ रहे ने रस्से, ए सामने पान नज़र आ रहा तुहानू मंजियां वाला, इन्हां दा ये भी काम है। तो ए वेखो जी ए साडे नैक दी दुकान है, इस टाइम मैं दुकान दे विच बैठा रैसट कर रहा। ए वेखो जी लाइट नहीं हैगी, ए वेखो पखा बंद पिया, लाइट इधर असी आए सुबह दी नहीं हैगी, पखा बंद है, फिर भी मजीद के जिम्मे
हर पोजिशन है गर्मी की, उस तो कुछ बेहतर है। छावे बैठे ना दुकान के, इस करके थोड़ी जी गर्मी घट महसूस हो रही है। वैसे पसीना आया है, सही महसूस हो रहा है, यानी कि जिमें बाहर गर्मी हो अंदर नहीं हैगी, इसलिए रैसट कर रहे हैं। थोड़ी जी देर रैसट करके तो फिर छुट्टी लाने एक काम की, छुट्टी ला के तो फिर इंशाल्लाह असी घर चले जावे। घर जाके फिर सुकून करांगे, फिर गैस आएगा 12 बजे, फिर रोटी खावांगे, चाह शाह पीवांगे, वीर नाल गप शप लावांगे, घर की रूटीन शेयर करांगे, ठीक हो गया जी। उस तो बाद है वेख लो जी, कपड़ा बनया गुट के उत्ते, क्योंकि मेरे हाथ के पाया है कड़ा, जिस टाइम मैं छुरी चलाना वह कड़ा फिर अगे आके हाथ में लगता है, इस करके कड़े तो अगे जोड़ा अपना कपड़ा बलेटे हुआ। देखो तुम्हें दिखा दें, ए वेखो कपड़ा लेटे, उस तो बाद तो कड़ा भी दिखा दें हाथ से जोड़ा पाया है। ए वेखो इस करके ना सिर्फ कपड़ा बलेटे हुआ सी कड़े का कारण करके, ए वेखो जी। हाँ जी, ए वेखो ए तुम कड़ा नज़र आ रहा है, इस कड़े की वजह तो यानी कि हाथ से कपड़ा लेटे से ताकि कड़ा नुकसान ना पहुँचावे, कड़ा अगे आंदा ना तो फिर हाथ ना लगता है। हाँ जी, दाता साहब का कड़ा सी इसलिए हाथ च पाया है। दरबार से तो नहीं गए, किसी यार दोस्त को ट्रेन च सफ़र कर रहे थे, उनके हाथ के यानी कि पाया हुआ सी, तो उनके को यानी कि नकद ही लिया है 200 रुपए का, तो दरबार से असं नहीं जा सके। वेखो असी दोपहरे जो घर आए थे, घर लाइट नहीं हैगी सी, तो गैस भी नहीं हैगा सी, बस लाइट बहुत लेट आई सी, इस वजह करके थोड़ा मोबाइल भी रात का चार्जर किया हुआ सी, तो इस करके मैं फिर दोपहर की रूटीन तो थोड़ा जो यानी कि नहीं वीडियो बना सकिया, क्योंकि उधर काम तो गया सी, उधर भी लाइट नहीं सी। घर आया जो लाइट पहले तो खड़ी रही तकरीबन एवं 10 मिनट पहले गई, काफ़ी लेट यानी कि आई है। हूँ तुम्हें असी शाम का मंजर दिखा दें, ए वेखो जी शाम का मंजर है, अजाना मगरब दियाँ हो रही हैं, तो मैं भी बस नमाज़ पढ़न मस्जिद के चलिया, उस तो बाद शाम की तुम रूटीन दिखाई है कि ए वेखो इस टाइम मैं लाइना के उत्ते खड़ा, तो लाइना के नाल ही साड़ी मस्जिद हैगी है, तो उस तो बाद मैं दस देव कि लाइना के उत्ते माशाल्लाह बहुत वी आई पी मौसम है, हवा चल रही है, तो उस तो बाद ट्रेन आ रही है, तुम्हें ट्रेन भी दिखाने। ए सामने वेखो जी लाइन गड्डी आ रही है, दूसरी लाइन के उत्ते जिस लाइन पर मैं खड़ा मेरे नाल वाली तो लाइन गड्डी आ रही है, ए देखो लाइन गड्डी गुजरती है, तो तुम्हें दिखाने ठीक है जी, तुम्हें लाइन गड्डी दिखाने, उस तो बाद इस साइड का नज़ारा भी कर लवो। ए वेखो जी ए सामने मुंडे खड़े ने, उस तो बाद साढ़े टिब्बे ने रेगिस्तान वाली साइड है, तो ए वेखो जी गड्डी हुने क्रॉस होंदी है, तुम्हें गड्डी दिखाने। वेखो जी ए गड्डी आ गई, किस तरह लगी साड़ी ट्रेन गुजरती शाम के टाइम, साड़े इलाके चो ट्रेन गुजरी है, माशाल्लाह माल गड्डी जा रही थी, तो बड़ा वी आई पी मंजर सी, माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है, इधर वेखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, एक गड्डी की हवा नहीं है, गड्डी तो इलावा भी यानी कि मौसम ठीक है, हूँ हवा सही चल रही है। तो ए वेखो जी ए शाम की रूटीन तुम्हें दिखाई है कि मैं इस टाइम लाइना के उत्ते हाँ, उस तो बाद मस्जिद च नमाज पढ़न चलिया, बस सामने जरा मीनार नज़र आ रहा साड़ी मस्जिद है, ठीक है जी। मैंने दो इजाजत, मेरी वीडियो में लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर कमेंट करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तुहाडे वास्ते अच्छी लैके तुहाडी खिदमत हाजिर होवांगे, ठीक है जी। तुहाडा छोटा वीर शहजाद 91 विलेज तुहाडे कोलों जाण दी इजाजत जी, अल्लाह हाफिज़।